भाई जो आपने सुना, जो आपने देखा, बिल्कुल सही है भाई। मिथ पैट जेल में है और उनको एक ऐसा लोकेशन में फंसा गया दिया गया है, ट्रैप करके दिया गया है भाई। ऐसा सीक्रेट लोकेशन केव के अंदर जाके है। सो सारा वीडियो को एंड तक देखना भाई। यहाँ पर मैं वर्ल्ड पे आया था मिथ पैट के वर्ल्ड पे साथ खेलने के लिए, एंड भाई मैं यहाँ पर देखा कि मिथ पैट तो यहाँ है ही नहीं, ऑफलाइन भी नहीं पड़े हैं भाई सब। मैं पूरा घर वगैरह देख लिया, मैं इधर उधर सारा जगह देख लिया कि भाई मिथ पैट आखिरकार है कहाँ। फिर मेरे को सीक्रेट मतलब कि एक हम लोग का है जहाँ पर हम लोग को पता चलता है कि अपन लोग है कहाँ, वहाँ जाके मैं पता करता हूँ इनबॉक्स पे, तो मेरे को जहाँ से पता चलता है यहाँ पर देख लो भाई मिथ पैट घर पे है ही नहीं। फिर जाके मेरे को पता चलता है कि मिथ पैट को कोई जेल में डाल दिया है। भाई साहब मैं ये जब चीज़ को सुना तो भाई मेरी तो फट गई भाई। मिथ पैट जेल में आखिर गए क्यों, उनको जेल पे भेजा कौन, और वो सीक्रेट लोकेशन ऐसा है क्या, वो केव के अंदर जाके है, मतलब कि बहुत ज़्यादा सीक्रेट लोकेशन का अंदर मिथ पैट को जेल में डाला गया है, ट्रैप कर दिया गया है, एंड भाई मिथ पैट वहाँ पर फंसे पड़े। तो चलो जाके देखते हैं एंड मिथ पैट को बचाते हैं। एंड भाई ऐसा कौन किया है, कहीं निश्चय भाई तो ऐसा नहीं किया, लाइव इंसान तो ऐसा नहीं किया जो ट्रिगर्ड इंसान के नाम पे आप लोग जानते होंगे, कहा अगे वो तो नहीं किया भाई। मिथ पैट जेल पे गए तो गए कैसे भाई साहब। जब ये बात को मैं सुना तो मैं भी यहाँ पर हैरान था कि ऐसा कर कौन सकता है भाई। यहाँ पर देख लो मैं सारा जगह ढूंढ लिया, मिथ पैट को अंडर वाटर जाके ढूंढा, फिर मिथ पैट का कहीं जगह सीक्रेट लोकेशन है कहीं वहाँ पर मैं भी जाके ढूंढा, चार पांच सीक्रेट लोकेशन है मिथ पैट का, मैं सारा जगह ढूंढ लिया तो भी मेरे को मिल ही नहीं रहे थे मिथ पैट। फिर फाइनली जाके गाइस मेरे को एक ऐसा साइन देखने के लिए मिला, अगर आप ऊपर देख रहे होंगे पहाड़ों पे तो वहाँ पर एक चरकूट टाइप का साइन है गाइस। वहाँ पर मेरे को जहाँ कहीं ना कहीं लग रहा है कि मिथ पैट वहीं हो सकता है, क्योंकि भाई मैं चारों जगह ढूंढ लिया हूँ, मिथ पैट को यहाँ पर मिल ही नहीं रहे हैं मिथ पैट। फिर चलो गाइस मैं ऊपर जाता हूँ यहाँ पर जो साइन है, गाइस ऐसा सीक्रेट लोकेशन पे मिथ पैट को ट्रैप कर दिया गया है कि भाई साहब आप लोग चौंक जाओगे। सिंपली आप देखो, आप लोग सोच नहीं सकेगी भाई मिथ पैट जेल में तो बट गाइस ऐसा लोकेशन पे जेल पे है मिथ पैट। भाई साहब मिथ पैट ना ही हिल पा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर पा रहे भाई, मिथ पैट रिसर्च भी नहीं कर पा रहे हैं। मेरे को तो यार बहुत ज़्यादा डर लग रहा है भाई। इधर देख लो यार मेरे को कैसा लोकेशन है यहाँ पर भाई। ऐसा लोकेशन आखिरकार बनाया कौन मेरे भाई, कौन बनाया ऐसा लोकेशन भाई। इधर देख रहे हो किस टाइप का लोकेशन है। एंड भाई सबसे हैरानी की बात तो ये है गाइस, यहाँ पर लोकेशन है ऐसा टाइप का ठीक है, बस गाइस यहाँ पर ऐसा साइन है तो भी ठीक है, मगर उस साइन के बगल पे ये केव है। ओ भाई साहब यहाँ पर ऐसा केव, ऐसा कौन कर सकता है। मेरे को तो जहाँ ना जहाँ लग रहा है कि मिथ पैट इसी के अंदर हो सकते हैं, इसी के अंदर हो गए भाई। ऐसा साइन तो मिथ पैट डिज़ाइन नहीं किया है, लाइव इंसान डिज़ाइन नहीं किया, ना ही मैं डिज़ाइन किया हूँ, तो ये डिज़ाइन किया कौन भाई। कितना बड़ा केव, लिटरली भाई ऐसा कौन कर सकता है। इतना बड़ा केव के अंदर मिथ पैट ट्रैप हुए पड़े हैं भाई। लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, मैं पूरा रात मतलब कि मिथ पैट को ढूंढा, पूरा जगह ढूंढा, पूरा वर्ल्ड को ढूंढ लिया तो भी यार मिल ही नहीं रहे थे। फिर मैं सोचा कि भाई वहाँ पर मेरे को ऐसा साइन देखने के लिए मिला, और भाई यहाँ पर आप देखोगे ऐसा कौन कर सकता है भाई। मेरे को तो अंदर जाने में डर लग रहा है कि मैं कहीं ना ट्रैप हो जाऊं भाई साहब। अभी भाई देखा, देखा आपने देखा मिथ पैट वहीं पर है भाई साहब, अगल बगल ज्वालामुखी था यार। ओके गाइस यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मिथ पैट यहीं फंसे हुए हैं। ओ भाई साहब ऐसा कौन किया है यार, देखो यार मिथ पैट यहीं फंसे पड़े, मेरे को तो देखने में डर लग रहा है भाई साहब। यहाँ पर कैसे कौन फंसाया भाई मिथ पैट को यहाँ पर भाई। अगल बगल लावा है, मिथ पैट के सर पे देखो एक भाई रॉड पड़ा है, अगर जहां भी हिलेंगे तो मिथ पैट कट जाएंगे भाई, दो टुकड़े में बढ़ जाएंगे मिथ पैट। एंड गाइस इधर उधर हुले तो लावा में गिरेंगे यार, हिलेंगे तो लावा में गिरेंगे, अगर कुछ किए भी तो यार उनका रॉड जो होता है वो एकदम सिर को काट देगा भाई। मेरे को तो पता ही नहीं चल रहा मैं मिथ पैट को आखिर बचाऊं कैसे यार, मिथ पैट को अपना भी सीरीज को कैसे बनाएंगे। अभी यहाँ पर फंसे पड़े, मेरे को तो देखना पड़ेगा कि मिथ पैट को आखिर बचाए तो बचाए कैसे भाई। इतना गंदा सीन मेरे को तो एकदम नहीं पता था
कि कुछ ऐसा हो जाएगा भाई, यहाँ पर मैं गिरूंगा यार, मेरे को उधर चल जाना चाहिए, क्योंकि मैं गिर जाऊँ तो निश्चय मेरे को पता भी नहीं है कि अपन दोनों यहाँ पर फंसे पड़े हैं, तो भाई खेल ख़त्म हो जाएगा यहाँ पर हम लोगों माइनक्राफ्ट में। बस हमको तो लग रहा है भाई कुछ सीन हो चुका है, मिथपैट क्या कुछ ऐसा कर दिए, मेरे को तो लग रहा है टाइम ट्रैवल जब वो किए थे तो टाइम ट्रैवल के दौरान वो कुछ ऐसा तो नहीं कर दिए भाई साहब। ये कैसा आवाज़ था, मेरे को तो लग रहा है कि अंदर कुछ सीन है भाई, वहाँ पर कोई और भी है एंड मिथपैट को वहाँ पर बहुत गंदा तरीका से ट्रैप कर दिया गया है भाई साहब। अगर गाइज आपको मिथपैट को, आप चाहते हो कि मैं मिथपैट को भी बचाऊं वहाँ से, एंड निश्चय भाई को कुछ रिएक्शन देखना चाहते हो कि मैं निश्चय भाई के साथ जाऊं एंड मिथपैट को बचाऊं वहाँ पर, तो प्लीज़ मेरे को नीचे कमेंट कर रहे हैं। इसका आप नेक्स्ट सीरीज़ देखना चाहते हो जिस पर मैं मिथपैट को बचाऊंगा, और आपको बताऊंगा कि मिथपैट को ऐसा कौन किया, कोई उनका हेटर किया या फिर निश्चय भाई किया या फिर कोई और इंसान किया है, तो भाई उसके लिए 100 लाइक है वीडियो का, 100 लाइक एम टारगेट है, तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो एंड गाइस अपने सभी दोस्तों पर शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब करके ना बेल आइकन को ऑल पे करना, तभी नेक्स्ट पार्ट आएगा। सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को ऑल पे कर दो, लाइक कर दो। चलो यार इतना ही।